हेलो एवरीवन, न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं आपको RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किसी भी नंबर को आप किस तरह पढ़ सकते हैं, उस नंबर का वैल्यू क्या है। इसे आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में। ये सामने जो दिख रहा है आपको चार्ट, इस चार्ट में दोनों लिखा हुआ है। ये जो पहला लाइन है ऊपर में, ये इंडियन सिस्टम का है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम्स में हम इसे पढ़ते हैं 1, 10, 100, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore, arab, 10 arab, और इसके आगे और भी होते हैं जो 6 क्लास में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इसे हम इस तरह पढ़ते हैं 1, 10, 100, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion। आप इसमें ध्यान दिया होगा कि ये पीरियड में बांटा हुआ है। ये जो लाइन देख रहे हैं ये पीरियड है। इंडियन सिस्टम से में वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, अरब, ये पीरियड है। उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पीरियड की बात किया जाए तो वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस है। हम यहाँ देखेंगे कि 1, 10, 100, 1,000, 10,000 इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडियन सिस्टम में भी वही है जो इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर आपको 5 डिजिट का नंबर अगर दिया जाए तो 5 डिजिट का नंबर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में भी जो हम पढ़ेंगे वही इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, जो इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे वही इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं डिजिट्स किसे कहते हैं। डिजिट का मतलब ये होता है कि इसे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी एक 8 नंबर है। हिंदी में इसे अंक कहेंगे, 8 अंक, और अंग्रेजी में इसे, इंग्लिश में इसे हम 8 डिजिट्स नंबर्स बोलेंगे, कहेंगे ये 8 डिजिट्स का नंबर है। अगर हम नंबर पे अगर ध्यान दें कि जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि ये भी नंबर वही है जो इसके नीचे नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि इस नंबर को हम पढ़ते कैसे हैं, तो अगर मैं यहाँ देखेंगे कि नंबर को पढ़ने से पहले हम इस तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ से अगर हमें इंडियन सिस्टम में पढ़ना है तो इस तरह से देखेंगे कि ये नंबर कहाँ तक गया है। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, arab, 10 arab, kharab, इतना ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ तक आप पढ़ करके देखें, यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि 7 किसके सामने है, 10 करोड़ के सामने। उसी तरह से 6 किसके सामने है, करोड़ के सामने। ये एक ही पीरियड में, ये करोड़ के पीरियड में ये दोनों नंबर, तो हम इसे 76 करोड़ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 76 करोड़। इसी तरह से फिर लैक्स के पीरियड में देखेंगे कि 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 और 2, तो इसे हम पढ़ेंगे 32 लैक्स। फिर उसके बाद देखेंगे थाउजेंड्स के पीरियड में देखेंगे तो 2 और 4 लिखा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे 24,000। इसके बाद पढ़ेंगे 985। एक और बात मैं बता दूं कि जो इंडियन सिस्टम में पीरियड है
1,000 लाख करोड़ अरब। तो यहाँ हम ध्यान देंगे वंस में तीन कॉलम है, थ्री कॉलम्स, थाउजेंड्स में टू कॉलम्स, लैक्स में भी टू कॉलम्स, करोड़्स में भी टू कॉलम्स, अरब्स में भी टू कॉलम्स। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो ध्यान दें कि यहाँ पे वंस में तीन कॉलम, थाउजेंड्स में भी थ्री कॉलम्स, मिलियंस में भी थ्री कॉलम्स और बिलियंस में भी थ्री कॉलम्स है। ये कॉलम्स हमें कॉमा लगाने में मदद करेगा। इससे पहले के इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ के बताते हैं, मैंने बताया कि यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ये अभी छोड़ देते हैं, सिक्स क्लास में इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये तीन कॉलम को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे हम इंडियन सिस्टम में दो कॉलम को एक साथ पढ़े थे 76 करोड़, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में तीन कॉलम को एक साथ ले जाएंगे, मिलियंस को पूरा पढ़ेंगे, मिलियंस 763 मिलियंस। इसी तरह से हम थाउजेंड्स के कॉलम में जाएंगे, थाउजेंड्स के पीरियड में जाएंगे, तो ये तीन कॉलम को साथ में लेकर पढ़ेंगे, 224,000 एंड 985। फ़र्क क्या है इंडियन में, एक बार फिर कहते हैं, इंडियन में कहेंगे 76 करोड़, ये करोड़ के, ये यहाँ पे पहला वाला जो स्ट्रिप है ये इंडियन सिस्टम का है, तो देखेंगे कि करोड़ में दो डिजिट लिखा हुआ है, दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे 76 करोड़। उसी तरह से 32 लैक्स, उसी तरह से 24,000, फिर 985। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम ये तीन डिजिट को एक साथ लेकर पढ़ेंगे, यानी कि मिलियंस में ये तीन कॉलम्स है, इसीलिए ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे 763 मिलियंस, उसी तरह से 224,000, फिर 985 वंस। अब अगर हम कोई एक एक नंबर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पे हम कोई नंबर लिखते हैं, एक सेकंड, हम यहाँ पे एक नंबर लिख के दिखाते हैं आपको, ये चलिए अब देखिए, यहाँ मान लिया कि यहाँ पे हम मैंने लिखा 3, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब हमें इंडियन सिस्टम में पढ़ना है, तो देखेंगे कि करोड़ के पीरियड में दो कॉलम्स है, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम्स में 3 है और एक कॉलम्स में 0 है, ये दोनों मिला के पढ़ेंगे 30 करोड़ पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से लैक्स में देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, तो सिर्फ हम यहाँ पे 5 लैक्स कहेंगे। उसी तरह से थाउजेंड्स के कॉलम में देखेंगे हम तो 4 और 0 है, तो 40,000 कहेंगे। उसके बाद फिर वंस के पीरियड में देखेंगे तो सिर्फ 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 है, तो इसे अगर हम पढ़ेंगे तो 30 करोड़, 5 लैक्स, 40,000, 24। लेकिन फिर इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पढ़ना हो तो देखेंगे कि ये कॉलम्स, तीन कॉलम्स को एक साथ पढ़ेंगे मिलियंस के पीरियड में, तो 300 मिलियंस, फिर उसी तरह से थाउजेंड्स के पीरियड में ये तीनों कॉलम को एक साथ पढ़ेंगे 540,000 एंड 24। अब अगर आप इसे फिर से एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह से मैं एक दूसरा नंबर लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे बिलियंस में चले जाते हैं, ये पूरा हम लिख लेते हैं, तो 0,
4 3 0 6 0 4 0 2। मान लिया यहाँ पे 0, या इसे 8 मान लो, 8 बना देते हैं, फिर 0 एंड 4। अब हम इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में पढ़ के देखते हैं। अगर हम इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो ये खरब है, खरब में 0 है। अगर ये अरब में देखते हैं तो अरब में 2 कॉलम्स है। इस 2 कॉलम्स में देखेंगे कि 4 और 3 है, तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे 43 अरब्स। ये करोड़ में देखेंगे ये 0 है और ये 6 है, तो हम इसे कहेंगे 6 करोड़। फिर यहाँ भी 0 है, लैक्स के कॉलम में देखते हैं तो 0 और 4 है, तो सिर्फ 4 लैक्स पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से थाउजेंड्स में देखेंगे तो यहाँ 0 और 2 है, तो हम इसे 2,804, यानी कि 43 अरब 6 करोड़ 4 लैक्स 2,804। अब इसी को हम इंटरनेशनल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटरनेशनल में बिलियंस के पीरियड्स में 3 कॉलम है, लेकिन एक में 0 है और ये 2 में लिखा हुआ है 4 और 3, तो हम इसे 43 बिलियंस कहेंगे। फिर इसी तरह से मिलियंस के कॉलम में देखेंगे तो मिलियंस में यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो हम ये तो 0 है इसलिए हम यहाँ 60 मिलियंस कहेंगे। उसी तरह से थाउजेंड्स के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे 400 2000 एंड 804। इसे हम पढ़ते हैं 43 बिलियंस 60 मिलियंस 400 2000 804। ये चार्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें कॉमा लगाने के लिए कहा जाता है। एक नंबर दे दिया जाएगा और उसे आपको कहा जाएगा कि इसे कॉमा लगाकर सेपरेट करो। अगर हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे तो मैंने बताया कि इंडियन सिस्टम में सबसे पहला इस तरफ से अगर हम देखना चाहेंगे, इस तरफ से मैं देखना चाहूँगा तो यहाँ पे 3 कॉलम है, फिर 2 कॉलम है, फिर 2 कॉलम है, फिर 2 कॉलम है, फिर 2 कॉलम है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम है। अगर आप देखेंगे कि इसमें कॉमा लगाना हो अगर इंडियन सिस्टम में, तो क्या करेंगे कि पहले यहाँ से 3 कॉलम के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो इसे पढ़ने में, कॉमा लगाने से पढ़ने में आसानी हो जाता है। 1 10 100 1000 10000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 7 करोड़ 56 लैक्स 40 24,908। ठीक इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमें कॉमा लगाने के लिए कहा जाए तो हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। और अगर इसे पढ़ना हो तो 1 10 100 1000 10000, उसके बाद फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, यानी 75,624,908। ठीक इसी तरह से यहाँ भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ अगर इंडियन सिस्टम में अगर कॉमा लगाने के लिए कहा जाए तो यहाँ 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, तो हम इसे पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 85,31,72,069। उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कॉमा लगाने के लिए कहा जाए तो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे इस तरह से। अब इसे हम पढ़ के देखते हैं।
वन 10 100 1000 10 1000 100 1000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो हम यहाँ पे ये तीनों मिलाकर पढ़ेंगे 853 मिलियंस 172,069। इसके अलावा अगर कोई नंबर फिगर में लिखा हुआ जैसे इस तरह का यहाँ ये लिखा हुआ तो उसे हम नोटेशन कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोटेशन। राइट अ नंबर इन अ फिगर इज अ कॉल्ड अ नोटेशन। अब अगर इसी नंबर को वर्ड में लिख दें तो हम इसे न्यूमरेशन कहेंगे। राइट अ नंबर इन अ वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरह के डिजिट्स को हम हिंदू अरबिक सिस्टम्स नंबर कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी लिखा है ये देखें 9,638। यानी ये जो नंबर है ये नोटेशन है और इसको हम न्यूमरेशन कहेंगे। जो वर्ड में लिखा हुआ है इसे न्यूमरेशन कहेंगे, जो डिजिट में लिखा हुआ है उसे नोटेशन कहेंगे। ठीक इसी तरह से ये नंबर और ये नंबर। अब हम आते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू मतलब फेस का मतलब आप जान सकते हैं चेहरा। कोई भी डिजिट का अपना खुद का वो क्या चेहरा वो क्या बता रहा। अगर हम सिर्फ डिजिट की बात करें तो जो उस डिजिट का वो खुद का पहचान है वो क्या है। यानी द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट्स रिमेन एज इट इज़। जो लिखा हुआ है वही है। अगर मुझे ये कहा जाए कि इस नंबर में 7 का फेस वैल्यू क्या है तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है तो हम प्लेस का मतलब होता है जगह। यानी वो किस जगह पे रखा हुआ है। तो 7 है यहाँ पे। अगर हम कोई नंबर यहाँ पे इस तरह से एक हम नंबर लिख लेते हैं जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 8 2 वही सेम नंबर 7 6 5। अब इस 7 का अभी हमें इस 7 का प्लेस फेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो जो 7 है वो 7 ही है। इसका फेस वैल्यू यानी इसका चेहरा 7 है। लेकिन अगर इसके लिए अगर हमसे पूछा जाए कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है तो इस 7 के सामने एक 7 लिख देंगे और इसके बाद ये डिजिट के सामने 0 फिर इस डिजिट के सामने 0। यानी यहाँ 7 लिखेंगे ये इसके सामने 0 इसके सामने 0। अब ये बन गया 700। यानी इस 7 का प्लेस वैल्यू 700। अगर उसी तरह से अगर पूछा जाए मान लिया कि इस 8 का पूछा जाए तो हम इस 8 के सामने ठीक इस 8 के सामने 8 लिखेंगे और उसके बाद फिर हम 0 ये 2 के सामने 0 फिर 7 के सामने 0 फिर ये 6 के सामने 0 फिर इस 5 के सामने 0। अब इसे पढ़ के देखते हैं 1 10 100 1000 10000। यानी कि 80,000। यानी इस 8 का प्लेस वैल्यू 80,000 है जबकि इसका फेस वैल्यू 8 है। अब अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं 6 क्लास का RS अग्रवाल का सारा वो क्वेश्चन हम बनाएंगे इसका वीडियो बनाएंगे जो कि टिपिकल है जो आसान आसान है उसे छोड़कर मैं सारा कवर कर दूंगा। 6 के बाद 7 8 9 10 ये मेरा अभी यहाँ पे लास्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद फिर मैं इसके बाद का वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे। थैंक यू।